फ्राइडे का दिन है और ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है दो बड़ी फिल्में। जी हाँ, आपको बता दें, जहाँ एक तरफ कंगना रनौत की पंगा आज रिलीज हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D रिलीज हुई है। ये दोनों ही फिल्में कहीं ना कहीं अपने आप में काफी ज्यादा खास है। जो एक फिल्म डांस के ऊपर, तो वहीं कंगना की पंगा भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। जी हाँ, आपको बता दें, जहाँ कंगना की एक्टिंग को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, तो वहीं श्रद्धा के डांस को भी लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं। बताना चाहेंगे आपको, पहले दिन के कलेक्शन के हिसाब से आपको कि पंगा को 3.5 रेटिंग दी गई है, तो वहीं स्ट्रीट डांसर की अगर बात की जाए तो स्ट्रीट डांसर को 2 स्टार मिले हैं। तो कहीं ना कहीं कंगना के आगे जो श्रद्धा है वो फीकी पड़ गई है। कहीं ना कहीं कंगना से पंगा लेना श्रद्धा को भारी पड़ चुका है। तो चलिए अब जानते हैं कि जनता का क्या विचार है, कौन से फिल्म को जनता अपने दिल के काफी करीब मान रही है। यज्ञ भसीम सबसे अच्छा काम उसका लगा, बच्चे का काम लगा। बाकी तो कंगना तो है ही रिनोन्ड आर्टिस्ट है, तो स्टोरी अच्छी है एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट विक्की डोनर के बाद कंटेंट इज द किंग, बाकी सब सेकेंडरी हैं, तो कंटेंट इज वेरी गुड। ओ इट्स ब्रिलियंट, शी इज़ गुड। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे अगर हम इसकी भाषा बदल दें तो कोई हॉलीवुड की पिक्चर देख रहे हैं। ये कमर्शियली नहीं, इतना ज़्यादा नहीं चलेगी, लेकिन जो लोग शौकीन हैं उनको इंस्पायर करेगी। कंगना रनौत और ऋचा चड्ढा का काम कैसा? ऋचा इज़ टेरिफिक, मतलब कंगना तो हम जानते ही हैं, ऋचा स्पेशली शी इज़ यूजिंग लिटिल बिट ऑफ ईस्टर्न यूपी डायलॉग, तो डायलेक्ट जो उसका है ना बड़ा नेचुरल लगता है। तो थोड़ा थोड़ा शायद भोजपुरी कहीं बोलती हैं, मैं एक्चुअली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया, बट शी इज़ गुड। बेस्ट इज अगेन यज्ञ भसीन। फोर डेफिनेटली। आप ही पूछिए, मैं उसका आंसर देता हूँ। मूवी या मूवी ऑन द होल बहुत ज़्यादा अच्छी है, इंस्पिरेशन मूवी है एंड ये हर पर्सन को देखनी चाहिए इनफैक्ट। एंड इसमें काफ़ी मैसेज है, जैसे उन्होंने अपनी अपने आप से ही फाइट करके अपने आप को उस चीज़ को अचीव किया है एंड बहुत अच्छी मूवी। स्टोरी में कितनी दम लगी, ऑडियंस को ये बांध कर रखेगी, इंस्पायर करेगी? या ऑफकोर्स इंस्पायर करेगी, और ऑफकोर्स मैं ये बिलीव करता हूँ जिसने सीखना है वो हर जगह से सीख सकता है, और ये मूवी तो बहुत कुछ सिखा रही है। वंस वॉच जैसे वो अपने आप से ही, जैसे हम लोग होता क्या, एक टाइम आता है जब हम अचीव कर लेते हैं और उसके बाद में हम अपने आप को रिलैक्स कर देते हैं, तो वैसे ही, और उसके बाद में फिर हम जब देखते हैं कि उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, देन अगेन वी वांट टू गेट दैट बैक। तो उस तरीके से जैसे उन्होंने फाइट किया और उस चीज़ को वापस से अचीव किया, तो वो जो स्पिरिट थी वो बहुत अच्छी थी। इट वॉज रियली बहुत अच्छा था। इनफैक्ट आई शुड से कि लाइक कंगना ने अपने रोल के साथ हमेशा जस्टिस की है, और इस बार भी उन्होंने वही किया है, शी इज अचीव्ड इट रियली नाइस। या गाने भी अच्छे हैं, इट वॉज गुड। डायरेक्शन भी अच्छी है, बहुत अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट किया, बहुत अच्छे से उनको दिखाया उन्होंने, बहुत अच्छी मूवी। प्लस वन आउट ऑफ 5 मैं 4 बोलूँगा। या गुड, इट वॉज गुड, ऑल वॉज गुड। या थैंक्स, बाय बाय बाय। बहुत अच्छी लगी, फैंटास्टिक मूवी। इस मूवी से आप क्या कुछ लेकर जा रहे हो? खुश होकर जा रहा हूँ, हंस कर जा रहा हूँ। कंगना का लगा, मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस, अच्छी टीचर चड्ढा का काम कैसा लगा? अच्छी आ गई, वो तो कमाल की स्टोरी। कितनी बांध के रखती है ऑडियंस? हम बांध के रखती है, मतलब मैंने उनको ही बताया था कि मैंने रिव्यू पढ़ा था कि उसके बारे में, तो एक अलग जॉनर की फिल्म है, हर कुछ है उसमें, तो मज़ा आया देख करके। फिल्म स्टोरी ऑडियंस को पसंद आएगी, 100% आएगी, देखना चाहिए फिल्म। हाँ डायरेक्शन भी अच्छा है, 4.5। थैंक यू। सर आपको पंगा मूवी कैसी लगी? या बहुत अच्छी लगी, ये मूवी डिफरेंट है दूसरे स्पोर्ट्स मूवी से, या कोई हम लोग देखते हैं इंस्पिरेशनल, देखे चलो हमें कुछ बनना है, ये हमें मतलब पर्सनली के लिए ज़्यादा सोच के एक फैमिली के बारे में लगता है, स्पेशली वाइफ हो, बेटी हो या माँ हो,
तो वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा उठाने की कोशिश की है और एकदम परफेक्टली उठाया है। मतलब इस वजह से मूवी थोड़ा बोरिंग शुरू में लगेगा, फर्स्ट हाफ लगेगा कि यार छोटी छोटी चीज़ें दिखा रहे हैं जो हम लोग डेली देख रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें से निकल के आई है मूवी सेकेंड हाफ में इज अमेजिंग। तो नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं थे, बिल्कुल अलग थी, एक्सपेक्टेशन से अच्छा हुआ ये एक्चुअली। अच्छा, बहुत ही अच्छा। रिचा चड्ढा उससे भी बेटर लगी मुझे, बिकॉज वो बड़ा लग रहा था कि कोई अपना दोस्त यार है उस तरह का है, और ऐसे हर लोगों के साथ होता है, तो रिचा चड्ढा वाज मोर नेचुरल देन एनी बडी एल्स। इस मूवी का टैगलाइन है जो सपने देखते हैं वो पंगा लेते हैं, सो कितना इंस्पायर करेगी? हाँ, उससे भी अच्छा उनको ये लिखना चाहिए था, अपने लिमिट से पंगा लो, ये टैगलाइन होना चाहिए था। परफेक्ट। हाँ, स्टोरी में कितना दम लगा? नहीं नहीं, बहुत दम है, स्पेशली फैमिली को देखनी चाहिए, और ये फैमिली से फैमिली में एक्चुअली रिस्ट्रिक्शन बहुत सारे नहीं होते, 90 मुझे लगता है 80% लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं होती, वो अपने आप को लिमिट में देखते हैं, अरे मेरी हद इतनी है, हमें आगे नहीं बढ़ सकते, ये प्रॉब्लम है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो हमें ये है। आदमी को ये सीखना चाहिए हमें इन्वायरमेंट को ना देखो, अपने अंदर का जो है उसको आगे बढ़ा, तो ये लिमिट उस सोच के ऊपर है, और इस सोच को अगर समझ गए तो रियली में कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है। नहीं, परफेक्ट, ये बहुत अच्छा उन्होंने लिया है, सिंगल अपने पंगा ले रही है, लेकिन परफेक्ट जा रही है, मतलब वो जो रास्ता दिखा रही है इट्स गुड, आई मीन सबको अच्छा फील होगा देखने के बाद या जैसे भी। या 4.5। या थैंक यू। एक ही चीज़ मैम, आपको कैसी लगी पंगा? हाँ, बहुत अच्छी लगी यार। स्टोरी में कितनी दम लगी? आई थिंक स्टोरी है, सबके लाइफ में सब कनेक्ट कर पाएंगे स्टोरी को, फिल्मी नहीं है कोई भी विलन ओवर द टॉप, ऐसा कुछ एक्शन ड्रामा ऐसा नहीं है, मेलो ड्रामा भी नहीं है, तो इट्स स्टोरी ही सब कुछ है। आई थिंक स्टोरी पे ही उन्होंने डायरेक्शन अच्छा है, स्क्रीन प्ले अच्छा है, जो मूवी रेगुलर मूवी है। अगर कंगना के काम के बारे में बात करूँ, आई थिंक मुझे लगता समहाउ मैं किसी और को सोच ही नहीं पा रही हूँ इस रोल में, आई थिंक शी डिड अ गुड जॉब। रिचा चड्ढा के काम के बारे में क्या बताना चाहिए? एज यूजुअल सारे ही एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, मुझे जस्सी गिल जो है वो भी आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा, उनकी केमिस्ट्री विद कंगना बहुत अच्छा है, सपोर्टिंग जिस तरह के हस्बैंड दिखाते हैं अच्छा है, अच्छा अगेन रिफ्रेशिंग, मुझे वो सेम बॉलीवुड एक्टर्स नहीं देखना है, तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए आई थिंक वो ज़्यादा मूवी कन्विंसिंग आपको लगती है। इट्स कंगना थ्रू आउट, वैसे तो कंगना ने जिस तरह पोर्ट्री किया तो सारा कुछ कंगना के ही बारे में। इस मूवी का टैगलाइन है जो सपने देखते हैं वो पंगा लेते हैं, सो इस मूवी से आपको क्या लगा देखने से? जो सपना देखते हैं वो ही उनका ही काम है पंगा लेना, अदरवाइज आप दूसरों को नहीं, मतलब आप सोच सकते हैं हमेशा ही आपके आसपास इज नॉट द नेगेटिविटी नहीं है कि आप नहीं बढ़ पा रहे हो, इनसाइड यू आर नहीं। अश्विनी मुझे वैसे ही उनका डायरेक्शन पसंद है, आई थिंक शी इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव डायरेक्टर, मैंने ये भी पढ़ा था कि शी मेड ये जो मूवी बनाई है उन्होंने अपने ही लाइफ से इंस्पायर होकर बनाई हैं, एंड शी हैज़ अ हस्बैंड, शी हैज़ अ चाइल्ड, सो आई थिंक मुझे लगता मुझे पसंद है वुमेन डायरेक्टर्स जो प्रोग्रेसिव आगे का सोच के और अभी के बारे में बात करते हैं, तो आई थिंक वो ज़ोया अख्तर दे आर बेस्ट डायरेक्टर्स, मैं चाहती हूँ और बनाए मूवी ऐसी। लोगों को कितना इंस्पायर करेगी? वुमेन को इंस्पायर डेफिनेटली करनी चाहिए, या एटलीस्ट कम से कम आप सोच तो सकते हो कि यू शुड गो एंड सी द मूवी, तो वुमेन ने डेफिनेटली देखनी चाहिए, मैन तो देखना चाहिए। ये जो इसमें दिखाया है कि वो एक साल के लिए बाहर जाना चाहती है, लेकिन मोस्टली ऐसे होता है कि हस्बैंड अगर टूर पे जाते हैं तो वुमेन को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वुमेन अगर एक साल के लिए जाती है तो सभी को प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसके बारे में हाउ कूल ही इज एंड इट्स ओके, ये बहुत अच्छा है, तो आई थिंक ये बात अगर मैं इनको देख के कुछ सीखना चाहिए। 3.5। हालांकि उन लोग अलग अलग टीम में थे और ज़्यादा टाइम ऐसे उनकी केमिस्ट्री पे फोकस नहीं था, स्टोरी पे फोकस था जो अच्छा था। नूरा का काम कैसा लगा आपको? शी इज़ अ वेरी गुड डांसर, उनका डांस बहुत ही अच्छा था। अगर गाने की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कौन सा गाना आपको पसंद आया? मुझे पसंद है इलीगल वेपन, वो बहुत ही अच्छा गाना था, और मुकाबला। इस मूवी का डायरेक्शन कितना पसंद है? काफ़ी अच्छा था, 3D इफेक्ट भी काफ़ी अच्छा यूज़ हुआ। 4.5। थैंक यू। रोलिंग।
मूवी वॉज अमेजिंग, बहुत अच्छी लगी। नोरा फैटी का गर्मी का स्टेप बहुत अच्छा था, और सेमीफाइनल में उन लोग बैटल करते हैं रॉयल्स और स्ट्रीट डांसर, वो बैटल सबसे अच्छा था, स्लो मोशन सब कुछ। केमिस्ट्री तो बहुत अच्छा था, केमिस्ट्री बहुत अच्छा था, वो 10 seconds हक, 1000 seconds हक, 10 seconds का हक था, हम लोग काउंट कर रहे थे। और वरुण इंडिया से है, श्रद्धा पाकिस्तान से है, फिर भी उसका केमिस्ट्री बहुत अच्छा था, तो बैटल बहुत अच्छा था, बैटल डांस तो डांस अलग लेवल। अगर गाने की बात करूँ तो सबसे ज्यादा कौन सा गाना पसंद आया? बेजुबा वो स्लो मोशन सेमीफाइनल्स में बहुत अच्छा था। नोरा फतेही का वो गर्मी का स्टर तो बेस्ट है, हम लोग भी करते हैं। और बाकी सारे स्टार कास्ट के काम कितने पसंद है? राघव का बहुत अच्छा था, उसका एक्सीलेंट था, और सब लोग का बहुत अच्छा था, धर्मेश का भी काफी। या काफी या एक अच्छा मैसेज था, इंडिया और पाकिस्तान के इमिग्रेंट्स लंदन में रह रहे थे, उन लोग वापस नहीं आ सकते थे, तो अच्छा मैसेज था। अभी ये मैसेज लेकर जा रहे हैं कि हम लोग को खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब लोग भूखे पड़े हैं अभी। ओके सारे यार स्ट्रीट डांसर, इट वॉज ऑसम मूवी। फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ, वीडियो छोड़ के भागो मत, बता रहा हूँ क्या है मूवी में। रेमो डिसूजा और वरुण धवन काफ़ी बदनाम हो चुके थे, वरुण धवन कलंक के वजह से और रेमो डिसूजा अपने रेस 3 के वजह से, वो सारे दाग इस मूवी में धुल चुके हैं बॉस। यू कैन गो एंड वॉच एंड एन्जॉय द मूवी, बहुत मस्त मूवी है। वरुण एंड श्रद्धा की केमिस्ट्री से बेस्ट लगी मुझे उनके और नोरा के साथ में जो एक केमिस्ट्री दिखाई गई है। नोरा फातेही जो है उनके साथ में गर्लफ्रेंड वाला रोल है, और फर्स्ट टाइम उनको आइटम सॉन्ग के अलावा कुछ और करते हुए देखा है। हमेशा उनको हेट करता था कि वो यार स्किन शो करती है और बस लोग रीमेक्स के ऊपर में उसको देखना चाहते हैं, बट दिस टाइम शी इज़ डिफरेंट, टोटली डिफरेंट, गुड एक्टिंग एंड इट्स अमेजिंग मैन। यार इंटरवल के बाद में सबको पता पहले से ही होगा, अगर ABCD 1 और 2 अगर आपने देखा है तो आपको शुरू से पता होगा कि वो सेकंड हाफ में एंट्री मारते हैं, और एंट्री मारने का एक ही रीज़न होता है कि जितने भी ऑडियंसेस को खींच ले। एंड फर्स्ट टाइम यार जो दो बार मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ क्या सारी ऑडियंस के साथ में धोखा हुआ है, कि यार मुकाबला सॉन्ग का बैकग्राउंड ट्रेलर में डाल करके बुला लेते थे, दिस टाइम इट्स रियली द डांस परफॉर्मेंस ओवर देयर, और आप जा करके उसको एंजॉय डेफिनेटली कर सकते हो, एंड इट्स अ रिक्रिएशन, द सेम पर्सन सेम थिंग, एवरीथिंग वॉज। फर्स्ट हाफ में आपके दिल को धड़कने पे मजबूर कर देगा लग दी लाहौर दिया, इट्स अमेजिंग। लेकिन रिक्रिएशन की बात अगर कर रहा हूँ ना बॉस, ये जो इस मूवी का खुद का सॉन्ग है जो तीसरी बार रिक्रिएट किया गया है, तो बेजुबा इट्स अमेजिंग, क्लाइमेक्स के लिए एकदम परफेक्ट सॉन्ग है, और जिस तरह से इसको डायरेक्ट किया गया है आपको बोर नहीं लगेगा। हो सकता है आप बोलोगे यार इससे पहले दो बार तो देख चुका हूँ, यार अभी क्या देखना नया है, एवरीथिंग इज़ न्यू, लिरिक्स बीट्स और इसमें डांस परफॉर्मेंस सब कुछ न्यू है। ओके, अगर कोई दो लाइन गाना गुनगुना दो या फिर कोई स्टेप अगर करके दिखा दो। सॉरी, सिंगिंग एंड डांसिंग में बहुत बेकार हूँ मैं। ओके, आउट ऑफ 5 इसका कितने लगेगा? 4.5 out of 5, बिकॉज फर्स्ट ऑफ थोड़ा सा स्लो लगेगा, आप रेगुलर अगर मूवीज देखते हो, वरना आपके लिए 5 out of 5 है बॉस, जस्ट गो एंड वॉच, इट्स फटैक मूवी। यप, मूवी कैसी लगी? इसकी डांसर बहुत अच्छा था, जो एक्सपेक्टेशन थी उसमें खड़ी उतरी। हां हां, वो तो मान बहुत अच्छा, गर्मी ने तो बहुत अच्छा काम किया। वरुण का वरुण और श्रद्धा की कमेंट्री कितनी पसंद आई? 5 मूवी बहुत अच्छी लगी, बहुत मज़ा आया, और मैं तो स्पेशली गई थी नौरा राघव के लिए मूवी देखने के लिए, राघव अपना भाई है, सो बहुत मज़ा आई। और क्या बताऊँ मूवी के बारे में, क्या बताना चाहेंगे? इंडिया पाकिस्तान का भी इसमें एंगल दिया गया है। हाँ, इसमें एक इंडिया पाकिस्तान का एंगल है, बट वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, बाद में वो लोग दोस्त बन जाते हैं, और श्रद्धा पाकिस्तान से, एंड मैं बहुत ज़्यादा बताऊँगी नहीं क्योंकि स्पॉइलर नहीं देना है, सो बस ये कि मूवी बहुत अच्छी थी ओवरऑल, और वरुण और नौरा इसमें कपल हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, एंड आफ्टर दैट मतलब
काफ़ी सारी बैटल्स होती हैं एंड सारी चीज़, मैं वही तो कह रही हूँ आप पूछो है, मैं कब में ब्लैंक हो गई, बहुत सारे इंटरव्यू देख लिया या प्रभुदेवा मैं बताऊंगी, हॉल में जब सबसे ज़्यादा शोर हुआ था तभी हुआ था जब प्रभुदेवा की एंट्री हुई थी और बहुत मज़ा आया, ही वॉज लाइक सारी सारे डांसर्स एक तरह, ही वॉज लाइक ही इज़ ऑलवेज फेवरेट ऑफ एवरी वन, सो बहुत मज़ा आया। और नौरा का जब गर्मी आया तो सब लोगों पे गर्मी छा चुकी थी। आपको सबसे ज़्यादा कौन सा गाना पसंद आया? मुझे गर्मी, आई लाइक गर्मी और इलीगल वेपन भी बहुत अच्छा है, श्रद्धा ने काफ़ी अच्छा डांस किया है और वरुण और श्रद्धा मतलब दे आर स्टार्स, दे आर एक्टर्स, उसके बावजूद भी दे परफॉर्म्ड वेरी वेल, उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया है तो वो देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। बाकी सारे स्टार कास्ट के मतलब क्या परफॉर्मेंस अच्छा लगा? ओके सबसे अच्छा धर्मेश ने बहुत अच्छा कॉमिक टाइम दी है, आप उनको देखोगे आपको बहुत मतलब मज़ा आने वाला है, बहुत हंसी आने वाली है उनके कैरेक्टर को देख के, इज़ प्लेइंग अ वेरी यू नो फनी कैरेक्टर। एंड बाकी अपाशक्ति खुराना की मैं तारीफ़ करना चाहूँगी, उन्होंने एक छोटा सा कैरेक्टर प्ले किया है सरदार का जो कि बहुत अच्छा किया है, ही वॉज लुकिंग सो गुड, अच्छी एक्टिंग करी है। सॉरी आई विल गिव 4 out of 5, थैंक यू। नेक्स्ट 9 न्यूज से आरती की रिपोर्ट।